अब बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम की सिक्योरिटी में जो ये गार्ड तैनात था। हरियाणा डेली पोस्ट के माध्यम से आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं। फिलहाल जो ये गाड़ी है, इसका जो नंबर HR 20 AM 1208 है, इसके अंदर है जो एक रिवॉल्वर है जो पुलिस ने अपने जब्त कर लिया, और यहाँ पे खाली खोल जो मिला था और बुलेटिन आप देख रहे हैं, एयर बैग आज खुले हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि इसके अंदर है जो एक हैंड कॉन्स्टेबल जो था, और उसकी अब जो आप कैप देख सकते हैं और आगे से गाड़ी कैसी टूटी हुई है, शूट आउट हुआ है या अपने आप को शूट किया अभी सामने नहीं आई है, सारी परतें नहीं खुली है, लेकिन वो जो मौके पर है पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा हुआ है और जाँच पड़ताल चली हुई है। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम की सिक्योरिटी में जो ये गार्ड तैनात था, क्या इसके साथ हुआ है क्या नहीं, पूरा मामला भी सामने नहीं आया है। और आप देख सकते हैं गाड़ी है जो यहाँ पे भी है जो इनसे टकराई है, और किस तरह से है जो ये मामला जो सामने खुल के आएगा, क्योंकि अभी तो पुलिस जांच कर रही है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस व्यक्ति को ने अपने आप को जो शूट किया है, लेकिन एक बात ये भी बोली जा रही है कि शूट आउट हुआ है, लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में पता नहीं है, पुलिस जांच करेगी उसके बाद है जो पता चलेगा। फिलहाल है जो फतेहाबाद से आपको है जो फतेहाबाद का जो फ्लाई ओवर है वहाँ से आपको है जो ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है गाड़ी के अंदर, आप देख सकते हैं। हाँ जी, क्या कुछ मामला है सर? ये अभी एक्सीडेंट का मामला है, सबका ड्यूटी के कारण पता नहीं लग रहा। गन भी मिली है सर, गन भी मिली है सर। क्या सुसाइड का मामला है, शूट आउट का मामला है सर? तो पुलिस प्रशासन अभी अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी का जस्ट का ये मामला है जो बताया गया है यहाँ पर है जो। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँचा हुआ है। दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम है, उनकी जो सिक्योरिटी में जो ये गार्ड तैनात है ऐसा बताया गया है यहाँ पर। और अंदर आप कैप देख सकते हैं, पुलिस की जो कैप होती है वो आगे रखी हुई है। गाड़ी के अंदर एक कांस्टेबल बैठा हुआ था जो डिप्टी सीएम की जो स्कूटी में जो ये गार्ड जो तैनात था। तो ये देखो भाई, अंदर बुलेट और भी क्या हुआ है, गोली मारी गई है इस गार्ड को, क्या हुआ है पूरा मामला भी सामने नहीं है। पुलिस से पुलिस प्रशासन से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अच्छे से बात नहीं कर पाया। जारी है और मृतक बता दिया गया है, उसका नाम क्या है, कहां से सामने नहीं आया। फतेहाबाद से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है।